बैठ जाओ, जल्दी से बैठो बच्चे। ये सौभाग्य से मनु शरीर आपको मिला है, ये काल भगवान की बड़ी दया है। उन्होंने आपको उत्तम मनु शरीर दे दिया और सब साधन दे दिए और ये कहा कि अब आप चाहो तो हमारे शरीर से भजन कर लो, हमारे शरीर के द्वारा भजन करो, लेकिन हमारे नियम का पालन करना, जो हमने पाप पुण्य बनाया मत करना, पाप मत करो, पुण्य जो करो तो उससे मदद मिलेगी आपको। तो जब उसने कृपा दया की और आपको रास्ता मिल गया घर जाने का, तो आपको बड़ी तेजी से और एक तरफा मन को करके करना चाहिए। मन को संसार में बताए रहते और यही पुकार ये मिलते तो करते रहते, हमको ये होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, ये हमारा ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये हमारा कारोबार, किस्मत से कारोबार और प्रारब्ध से सब भोग मिलते, जितना प्रारब्ध में होगा उतना मिलेगा, लेकिन मिलेगा रोज जरूरत के लिए। उसने कहा कि हमारे यहाँ कमी नहीं, हमने जितना रोज का सामान रखा वो हम तो मिलेगा और नाहक तुम ज्यादा जो चेष्टा करते हो वही परेशानी है। तो वो तो फिर आपकी इच्छा के ऊपर है, अपनी ही भूल लुटाते नहीं और दूसरे को दोष देते रहते, कहते ये नहीं किया वो नहीं किया, और जो सब कुछ किया है उसकी जरा भी ख्याल नहीं होता, लेकिन वो ले लेगा अपना शरीर, सामान रखवा लेगा, आपको निकाल देगा मकान से बस, तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। भजन कर लो, भजन जितनी देर भी करो लग करके करो, काम करो लग करके, बीच में समय हो उसमें भी कर लो, रात को सोने जाओ तब भी करो, और बीच में रात को नींद ना आए तो फिर भजन करो, और सुबह जल्दी उठो तब भी भजन कर लो। समय तो आपके पास है लेकिन नहीं जा सकते। जब आत्माओं के उपदेश जब शुरू होते हैं तो लोग तरह तरह की चर्चा करते रहते, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अरे भाई सुनना चाहिए, जो वो कहते हो तो सुन लो, तो अब वो कौन सुनाएगा, जो जानता होगा सुना देगा, न जानने वालों से पूछते हो तो अधूरी बात आपको मिलती है तो तंगा पड़ती, तंगा में फंस गए तो रास्ता छूट गया, आने वाले थे तो नहीं आए और पहुंचने वाले थे बीच में लौट गए, एक दो बाधाएं विकारों की है सामने खड़ी हो जाती है, लौट गए आप तो जब जैसा अवसर मिले उसका लाभ लेना चाहिए। अभी मनुष्य ने जा रहा, जो कल का समय अभी तक निकल गया वो तो आने वाला नहीं, और तो हम आएंगे कहोगे हमको ये समय फिर मिल जाए तो वो हो जाए, मिलेगा नहीं तो चला गया। ऐसे ही दिन घंटे पूरे होते तब तक चलने समय चलने का हो जाता है, तो भी पूंजी का खेल है, उसने दे रखी है पूंजी खत्म होगी तो रोकनी है।
बंद हो जाएगी। तभी लोग कहेंगे भाई अब तो चला गया, तो बड़े ध्यान से सुनो आप। जब विदेश महात्माओं का स्वरूप हुआ तो रस्ते में पूछते हैं भाई कौन, हमने देखा नहीं सुना नहीं कौन बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से भेद कहो अपना तुम मोसे। उसने पूछा है स्वामी आप अपना भेद बताइए कि आप कौन है, हैं आप कौन, ताकि हमको मालूम हो जाए कि आप ये जानकारी तो होना ही है। बोलो। बास तुम्हारा कौन लोक में यहाँ आए तुम कौन मौज में। और बहुत प्रेम से पूछ दिया कि आपका निवास किस जिले में किस शहर में किस प्रांत में या किस देश में है, किस लोक में है या मृत लोक में है या पाताल लोक में है या विष्णु लोक में, कहीं तो बताइए कि यहाँ हम रहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर खोजे सूरत न पावे मूर। और आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो सब जगह खोता है, हमें त्रिलोक में स्वर्ग में गए वहाँ भी नहीं मिले, बैकुंठ में गए वहाँ भी नहीं मिले, ईश्वर के लोक में ब्रह्म लोक में गए वहाँ भी नहीं मिले आप, तो यहाँ से कितनी दूर है आपका देश, हमने तो सब खोज लिया, तो भेद तो हमको बताइए पूरा पूरा, और जो पूछे हमको सब बता दीजिए। बोलो। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे देश पराए आई जैसे। तो ये बताइए कि आप पे अलग कैसे हो गई और आप अपना देश छोड़ करके पराए देश में यहाँ आकर के कैसे गिरी, और पराए देश को अपना देश मानती है अपने देश को कहती है माना ही कोई, वो परदेश है, ये देश अपना है वो परदेश है जहाँ हमारा घर था, तो आज अनाज घर तो भूल गई और दूसरे के मुल्क में कहती है कि मेरा ही। बहुत प्रेम से पूछ रही। बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ देश अपना मोहि लखाओ। और मेरा हाल सब आपको जो कहते हो बताइए पूरा का पूरा, और फिर देश आप अपना कि आप कहाँ के निवासी हैं, वो हमको ये नहीं बताना नहीं दिखाना है। मन तन संग पड़ी मैं कब से दुख पायो बहुतक मैं जब से। तब से दुख इस तन के साथ बंधी और तन में रह करके नाना प्रकार के दुख कष्ट यातनाएं मिली हैं और किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की अभी तक, और अभी तक मैं रो रही हूँ। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा आए पड़ी परदेश निहारा। तो ये बताइए कि आपका देश कैसे भूल गई और पराए देश में आकर के, और मैं अपना देश कहती हूँ और जो आप कहते हो वो तुम्हारा देश है तो हम नहीं मानते, ये ऐसे क्यों हुआ, आपने भेजा और पराए देश में और पराए देश को मैं अपना देश छोड़ के मान रही हूँ, अपने देश को इनकार करती। पाताल बसो की मृत्यु लोक में स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। पाताल में रहते हो कि मृत लोक में कि ब्रह्म लोक में कि विष्णु लोक में, कहाँ आप रहते किस लोक में रहते, कहाँ निवास है आपका वो पूरा पूरा बताइए। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी शिव मुकाम में। भाई विष्णु लोक में शिवलोक में इंद्रपुरी में
अब मैं कहाँ किस जगह आप रहते हैं, इन लोगों में रहते हैं तो बता दीजिए कि मैं इनमें बसता हूँ। पर कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। और कहते हैं कि किस लोक में है, कि राम लोक में, या पृथ्वी लोक में, या पुरुष लोक में, इस लोक में आप बसते हैं, कहाँ किस जगह स्थान है, आपको बड़ा पूछ रही है, प्रेम से प्यार से पूछ रही है। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक या सब में। देशों में आप व्यापक, या चारों खानों में, चर अचर में, सब पशु पंछी, कीड़े मकूड़े, सब जल थल, या आप सब जगह रहते हैं, आप सब जगह बसते हैं, कहाँ कहाँ आप रहते हैं, किस जगह रहते हैं, आपका कोई अलग देश है वो बताइए। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। और मुझे क्यों काल के लोक में डाल दिया, अब यहाँ अति भरम गई, भूल गई, कोई आए तो मैं मानने को तैयार, कोई कहे कि वो हाँ तुम्हारा देश, चलो हम ले चलेंगे, तो ये वो देश नहीं है, ये देश, ये मिट लोग हमारा देश है, तो ऐसा क्यों भूल गई, ऐसा पर्दा क्यों डाल दिया गया मेरे ऊपर, बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। देव आए चिताने के लिए कि चलो चलो, मैं तुमको ले चलूंगा, अपने घर रहो, ये तो पराया तुमने, बहुत दुख उठाए, तकलीफ उठाई, तो तुम्हारी दुख और तकलीफ सदा के लिए दूर हो जाएगी, और आराम से निश्चिंत होकर के रहना, तो इतने देर के बाद आए क्यों, ऐसी देर क्यों लगी। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। मैं आपकी दाती हूँ, चरणों को मैंने आपके पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप मुझे सब बताइए, सब समझा दीजिए, बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि सूरत मैं सब बताता हूँ, तुझे अच्छी तरह से जो तूने पूछा है सब बताऊंगा, बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तूने हमारा भेद पूछा है तो मैं बता विस्तार के साथ में सबका सब बताऊंगा तुझको, ये तेरी समझ में आएगा, बोलो। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनाम हूँ और अधर में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, यहाँ किसी भी लोक में नहीं हूँ, ना मृतलोक में है, ना यहाँ कहीं स्वर्ग में पाता, ना मृतलोक में, ना प्रकृतलोक, कहीं नहीं, अधर में, अधर में रहता हूँ, यह हमारा घर नहीं है। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। और मेरे भेद को कोई जानता नहीं, किसी ने पाए नहीं, मैं ही कहूँगा तो कहने में आएगा, और मैं नहीं कहूँगा तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अधर में रहता हूँ, पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ। तीर्थम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। देखे अधर, मेरा नाम, मैंने अपना पहला रूप धारण किया अगम लोक में, अगम पुरुष को स्थापित किया, दूसरा रूप धारण किया अलख, अलख लोक में स्थापित किया, तीसरा सत्य रूप धारण किया सत्य लोक में, वहाँ उनको बैठाया, इन तीनों में मेरा रूप है, तीनों में मेरा रूप है, इनमें जो कोई आएगा मुझे पहचानेगा,
इनमें होकर जो नहीं आएगा वह मुझे नहीं जान सकता, न पहचान सकता, न दर्शन कर सकता। तो इनमें तीनों में मेरा रूप है। बोलो। तीसर सत पुरुष मैं भया, सत लोक मैं ही रच लिया। तीसरा मैंने अपना रूप सतरूप धारण किया सतलोक में, और वहां पर स्थापित हो गया मेरा रूप सतलोक में। ऊपर में अलग लोग है, तब अगम तब अनामी धाम है। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कलायनु। इन तीनों में तो मेरा रूप है सतलोक से अनुपम कला, एक यहाँ से सतपुरुष ने निकाली। बहुत विचित्र कला को निकाल करके अलग किया। सूरत को समझा रहे कि मेरी यहाँ से एक कला निकली और तो अपने से हमने अलग किया। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। तो यहाँ तक मैं बैठा हूँ, यहाँ करके मुझे पूर्ण रूप से पहचान लो कि यहाँ आओगे तो अलग अलग लोग फिर अगम लोग में अनामी धाम में आओगे, और जो यहाँ नहीं आएगा वो नहीं आ सकता। अंश दो सत पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। कहते हैं दो उन्होंने अपने से निकाल के अलग किया, एक निरंजन और एक ज्योति, दो को किया अलग। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। इन दोनों को ले आए आवाज से, सतलोक से सीधी आवाज आ रही है यहाँ से दल कमल तक, यहाँ उनको बैठा दिया। ते दल कमल में निरंजन भगवान और झंझरी दीप में आद्या महाशक्ति को बैठा दिया। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके त्रिलोकी की रचना मसाला बनाया, ये यहाँ तब कि पांच तत्वों का कैसे बनेगा, तब लिंग शरीर कैसे हो, सूक्ष्म शरीर कैसे, सब मसाला बनाया, बना के तैयार किया। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छा में विस्तारा। तेरे तीन लोक से अलग, मैं तो सतलोक में, मैं अलग लोक में, मैं अगम लोक में, मैं अनामी लोक ही में रहता हूँ, इन और किसी लोकों में नहीं रहता हूँ। मेरा वहाँ अधर में स्थान है, और अधर कितना बड़ा है उसका क्या है कोई पारावार। ऊपर से तो नीचे ये रचना हुई है, तो ये तो सब छोटी होती गई, छोटा होता गया। जब उन्होंने भेजा यहाँ तत्पुरुष तो अनुपम कला, उन्होंने महासुन तो वहाँ वही नाके पर बैठा दिया, उसके बाद में पार ब्रह्म और ब्रह्म बाद में निरंजन भगवान ईश्वर, ये एक ने तीन अलग अलग कर दिए और अपना मां बन के बैठ गए। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप मैं अगम अपारा। तो भाई तीन लोग तो मेरी बूंद का एक पसारा है, एक बूंद है उस सिंध की, एक बूंद तो सिंध तो सिंधी है, तो मुझे एक बूंद ले आओ तो उसकी क्या महिमा, तो सिंध है तो मैं अपार हूँ, यहाँ की एक बूंद काम कर रही है। और तरकीब से उसको उतार दिया, कह गए अगम, फिर अलग, फिर शत्रु, और शत्रु से फिर
सतपुरुष ने धीरे से नीचे उतार दिया, ले आया। बोलो, मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिरता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। न ब्रह्मा हूँ न विष्णु, न पाताल में रहता हूँ न विष्णु में, न स्वर्ग में कुंड में रहता हूँ। मेरा तो अधर में घर है, वहाँ रहता हूँ। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। सूरत को समझा रहे हैं कि दो लोग, साकेत लोग, राम लोग, कृष्ण लोग या शिवपुरी में मैं वहाँ नहीं रहता, मैं तो अधर में रहता हूँ। मेरी एक बूंद काम करती है, एक बूंद का ये विस्तार है, और इसी को सब लोग कहते हैं कि नहीं यह अपार है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर रहता है कह करके। और जब नहीं समझ में आता है तो झगड़ा कर बैठते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं चलो इनसे भी मिलो, इनका भी दर्शन करो, ऊपर ब्रह्म है, चलो ऊपर में ब्रह्म के भी दर्शन करना, फिर उसके ऊपर में पार ब्रह्म है, चलो उसका भी दर्शन करना, उसके ऊपर में महाकाल पुरुष है, उसका भी दर्शन करना, तब वो सत्य देश मिलेगा। वो अचल है, अस्थाई है, अपने घर से काल को निकाल दिया, उस सत्य देश से अलग लोग, अगम लोग से सब निकाल करके एक अलग कर दिया। अब काल वहां नहीं जा सकता, उसको अलग किए। बोलो, तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। तीन लोगों में मैं व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद यहाँ रहती है, उसी का ये सब पता रहा सब का सब। मैं तो अनाम अधर में रहता हूँ, अनाम हो मेरा कोई नाम न पहले है ना अब ना आगे होगा। मैंने अपना रूप धारण किया, वो अगम, दूसरा अलग और तीसरा शत्रु, वो सतलोक में भाई। जो किसी को मेरे यहाँ आना है तो पहले सतलोक पहुँचे, फिर अलग लोक में, फिर अगम लोक में, तब मेरे यहाँ आ सकता। ऐसे कोई पहुँचेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि चौथे पद के पार अनामा, चौपद पद मेरी सतलोक, उसके पार अनाम है, अधर घर है। तो ये जाते आते रहे, तब तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाते आते रहे, प्रीत लगी कि टूटे ना टूटे, वे चाहे कि टूट जाएगी तो नहीं टूटेगी। उसी बुंद का सकल पसारा, वेद ताही कहे ब्रह्म अपारा। मैं तुझी बूंद को अब जानते नहीं है, संतों से मिलते नहीं, संत की खोज नहीं करते हैं, जो इनको आगे का भी पता भी बताए, इनको ले भी चले और दर्शन भी आगे कराए, उनका भी दर्शन हो जाए, ऊपर ब्रह्म का भी दर्शन हो जाए, पार ब्रह्म का, महाकाल का, ऊपर चले चले तो सत्य देव सतपुरुष का भी दर्शन हो, तो चलने नहीं चाहते। अब देखा तो है नहीं, न देखना चाहते और चलना भी नहीं चाहते, कहते हम नहीं जाएंगे। हमारे जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ अपनी जगह पर लिखा हुआ, ये बूंद का ये सब बता रहा है, तो आगे कोई और होगा तब तो कहा, तो उसको नहीं मानते, भटक गए। वेदांती आहि ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आहि शुद्ध पुकारे। भटक गए, पर नीचे उतर आए। अब थोड़ा थोड़ा तो समय में झगड़े की स्थिति पैदा हुई। अब जब आपस में बहस मुबहसा करेंगे कि रामायण में ये है तो इसमें ये है तो इसमें ये है तो इसमें ये लिखा हुआ, तो झगड़ा हो जाएगा, उसी में फंस गए। चलने और पूछने और समझने की बात तो बहुत दूर हो गई, कि समझना चाहते हैं चल के देखना चाहते हैं वो बात है। इसमें तो प्रेम का है,
कि प्रेम से चलना है अपने घर, तो प्रेम डोरी को पकड़ो, चढ़ चलो, और तुम्हारे अंदर आ रही है, ऊपर से नीचे तक चली आ रही, लेकिन तुमने अपने ऐसे कर्म किए कि आपने अपना अंतःकरण गंदा कर दिया, जिससे तुम्हारी आँख और कान तुम्हारे बंद हो गए, न तुम देख सकते हो न उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। तो महात्माओं ने जब रास्ता बताया तो अब देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, आँख भी खुलती है और कान भी खुलती है, तब समझ में आता है। तो उसके लिए साधन, तो साधन तो उसके लिए है ही, बिन साधन कैसे जाएगा? साधन है, रास्ते को कहते हैं पकड़ना, उसी का नाम है साधन। तो उस नाम को पकड़ो और चढ़ो, यही है तुम्हारा साधना। चल चलोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, तो इस दुर्गा दर्शन होगा पहले ही मुकाम पर, और ऊपर चलोगे तो आवाज़ें आती है उसके नाम की, तो फिर उनका भी साक्षात करो जाओ जाओ, फिर ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो फिर पार ब्रह्म का भी साक्षात हो जाएगा, और ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो महाकाल का भी दर्शन होगा। आवाज़ें आ रही हैं, सरदार है बराबर, लेकिन वेदी के द्वारा भेद मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा, वैसे कोई जानता ही नहीं, वेदी इस रास्ते को बताएगा, बताएगा भी, ले चलेगा दिखाए भाई, और रास्ते को भी बताएगा, तब काम करना हो तब साधक पहुँचेगा, ऐसे नहीं पहुँच सकता। तो इतना बड़ा छोटा एक बूंद का तमाता, बूंद का खेल है, उसी में हम सब उलझ गए। जितने नाम को आए थे पकड़ के, जब यहाँ के काम काज में फंस गए तो ध्यान हमारा बढ़ गया, तो आवाज़ हम तो छूट गई। अब वो आवाज़ मिलती रही तो कान खुलते रही है, आँख खुलती रही, तो दिखाई को देखता नहीं, सुनाई को देखता नहीं, ऐसे भरम गए। कोई बताने वाला मिला नहीं, तब तक जो कर्म किया था उससे नीचे उतर गए, चारों खानों में चले गए, नरकों में और योनियों में चले गए, तो उन्होंने दरी रातें छूट गया। इसलिए क्या कर्म किया अच्छा बुरा, ये तो आपको मालूम है कि हमने क्या क्या किया है, पता उसी कर्म का तो फल मिलता है, उसके तो सब लिखा चुका है, तब आपको दिखाएगा बताएगा सब। जब तुम इसे जाओगे तुम्हें पूरा हो जाएगा, तो वही जाना जाए, हिसाब किताब आपको देखना है, वो सब दिखाएगा सुनाएगा, और उसी के बाद जो भी उसको करना होगा सजा देगा, सजा दे देगा, नर्क भेजना होगा नर्क भेजना, जा के ही भेजना, उसी योनि में दे देगा। बोलो, इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। सतगुरु जब नहीं मिले तो इसके आगे किसी को भेद नहीं मिलता, तो सब के सब सब धोखा खा गए। अभी तो खत खोज तो उनकी है नहीं कि भाई कोई महात्मा मिले, महापुरुष, कोई सीधा रास्ता बताए, और फिर यह है कि वो मिलते भी हैं तो साधारण रूप से तो आ पाते नहीं, बाकी तो बड़ी तकरार करते हो, उज्जत करते हो, तमाम विवाद होता, तब जा करके बड़ी मुश्किल से आते हो। यदि खुद भी सोचो कि मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ, और इस रात्रि का भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब विश्वास आया, लेकिन विश्वास किसी होता नहीं, अविश्वास में डूबे हुए थे, मन और चित्त बुद्धि ये सब संसार में रमाते, इसमें उलझे हुए थे, तो मालिक की दया समझिए कि हो रही, कि आप इतनी शांति से, तद्भाव प्रेम से
तुम देवर कर रहे हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। साधन भजन देख करके शंका हो जाए लोगों को, ये कौन सा साधन भजन है, शंका हो जाए कि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो जो भी से देखा सुना नहीं है उसकी शंका, शंका तो जीव को होती है। ये कर रहा ये कौन सी उल्टी क्रिया है, भाई उलट के तो जाना ही है। ऊपर से आए और नाम डोर पकड़ कर, तो नाम छूट गया है इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। नाम मिल जाए तो शब्द को पकड़ लो तो ऊपर चढ़ जाओ। शब्द चेतन है और सूरत भी चेतन है, शरीर जड़ है और वो चेतन है। और सूरत पर जो आवरण चढ़ा हुआ वो भी जड़ है। इस आवरण को दूर करो और चेतनता आने दो, जैसे चेतनता आई तो चेतन मिलेगा और चेतन को पकड़ो तब तो ये सार्थक जीवन बनेगा, नहीं काम में आने वाला नहीं है। मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, तबियत शरीर ठीक नहीं, ऐसा देख रहा भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत मीठी विद्वान से समझाया, जो भी महात्मा आया सब ने समझाया, लेकिन हम महात्माओं से दूर रहे इसलिए कुछ समझ नहीं सके और न कुछ पा सके, न कुछ देख सके, न कुछ सुन सके। तो आप सब लोग बहुत सुगम सरल है, इतने शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, अच्छी तरह से करो, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं। ये एक प्रकार का साधन है, जो कठिन है वो आप जब कर लोगे तो बहुत सुगम सुलभ हो जाएगा। तब कहते होगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन हम भी जब करते थे तो बहुत कठिन था, ये तो बिल्कुल ही सुलभ और सीधा है। तो जिनको ये रास्ता और मिलता है और अंदर चलते हैं वो बड़े भाग्यशाली बहुत ही। अब तो थोड़ा थोड़ा काम ले लो, शरीर ठीक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा लोगे तो काम चल जाएगा, ज्यादा परिश्रम मत कराओ। शरीर है किराए का मकान है, ये तो पुराना होता ही होगा, तो पुराना है किराए का मकान है, तुम इसको तोड़ फोड़ दोगे तो इतनी मेहनत कराओगे कि उठ टकने से बैठ सके तो आपके काम नहीं आएगा। तो समझदारी देखते हो कई लोग दे तो वह अच्छा रहेगा। इतना आपको सुनाया, ये कई बात सुनने को मिलती है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
हमारे तब के तो तेरे दो ढके गई तेरे ढक लो बिल्कुल एकदम तो ठहरो पहले दोनों आंखें बंद दोनों कान बंद मेरी सुन लो और ऊंचा ध्यान दे करके आपको कान से सुनना है। जितना ऊंचा ध्यान दे करके कान से सुनोगे फिर मन को कान के साथ रखो। तुम्हारा अगर मन रुक गया कान के साथ जो कान तक आवाज आ रही है वो सीधी आपके पास आ जाए। कपड़ा डाल के सिर पर आंख और कान बंद करके बैठ तो जाओ। ऊंचा ध्यान दे के कानों से सुनना और मन को कान के साथ रोको। मन को कान के साथ रोको। हाथ जोड़ के प्रार्थना की इस हमें संसार सारा भ्रम है धोखा है इसमें कोई जीतिका नहीं कोई है नहीं जीतिका। बहुत प्रेम के साथ में सद्भाव बोलो। जीव गति की राह बताओ जग में आए महादुख पायो। कहते हैं आप जीव गति का जिस सूरत को यहाँ से छुटकारा हो जाए वो रास्ता बताइए और हमको कुछ नहीं चाहिए। जितने कल्याण हो जाए वो काम हो जाए। संसार में तो बहुत कष्ट मिला। स्वामी कहे जगत सुख भारी काहे उदास भाई तुम नारी। स्वामी ने कहा कि अरे नारी तुम किदार होती हो संसार में बड़ा सुख है बहुत आराम है आनंद है संसार में तुम क्यों दुखी होती हो। कन्या पुत्र सकल परिवार सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। कहते कन्या हो पुत्र हो परिवार के सब संपन्न हो परिवार के लिए घूमो कहते उसका सुख भोगो और कहीं सुख नहीं है ये सब तो बड़ा आराम है आनंद है इसको भोगो इसका भोग करो। तुम्हारे पास बच्चा है बच्ची है सब कुछ है धन दौलत है इसको भोगो। बोलो करिया कहे अरज हमारी या जग संग संसार दुखारी। इनका स्वामी एक अर्ज हमारी यह है कि इस जगत के साथ चाहे इतना भी धन दौलत हो परिवार हो लेकिन सबके सब दुखी है कोई भी सुखी नहीं है। जब की बात और अब की बात बिल्कुल घर घर सबको कष्ट है कोई सुखी आराम से सब लोग लड़ाई झगड़ा ये झूठ चल कपट भरे सबके घरों में हो रहा है। एक दुख को भोगो तन बिन सह जैसे जल वोरा
जग जम जाल करत है जोरा। इतने इतने से मिल जाएगा स्वामी, कैसे होना। अभी गिरा सामने और सामने ही वो गल गया, तो इस तरह से बिटर जाएगा। और जब वहाँ इंतजारी कर रहे हैं कि जैसे ही वो उधर शरीर को छोड़े और हम उसको पकड़ लें, तो फिर वो जोर कर रहे हैं बहुत प्रेम से। उसने जवाब दिया, बोलो। तन सराय दिन चारी बसेरा, या मैं को ना काहू केरा। भाई चारी दिन तो रहना है और तन सराय, मनुष्य शरीर यही धर्मशाला है, इसमें चारी दिन तो रहना है। ये बचपन जब पैदा होता है तब थोड़ा खेला कूदा जब, तब तक आ गई जवानी, ये तीसरा लग गया और आया फिर बुढ़ापा। ये चार ही दिन तो रहना है, इसके बाद तो खेल खत्म। नारी ने कहा कि स्वामी चार ही दिन तो रहना, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, जीव गति का राह बताइए। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुनि तन छूटी झूठ सब आसा। कहते धन संपत्ति जिसके पास है तो चार ही दिन का तो है, तो तन छूटा है सब झूठी आता है सब पड़ा, जागा तहाँ रह गया, ना हम कुछ लेकर जाएंगे और ना लेकर आएंगे, तो झूठी आता तो है। अगर सच्चा होता तो हमारे साथ चलता, तन भी सच्चा नहीं और धन भी सच्चा नहीं। ऐसे या जग का ब्योहारा, जन्म जात जुआ जस हारा। इस तरह से सारा जगत उसका व्यवहार है कि ये जन्म युए में खेला, हार जाएगा और चला जाएगा, हारेगा सब, कोई बचने वाला नहीं है, तब हार जाएंगे और गम में अद्भुत में क्या करें, कोई किसी का नहीं। चले जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे, किधर देखे नहीं जाए। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। तो बच्चे खेलते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तो हवा ही उड़ गई, डोरी कट गई, फिर रोते रोते जैसे कहते हैं तन हवा की तरह से बहरा, हवा की तरह से बहरा, ये जन्म जुए में जा रहा, इन भोगों के साथ जुआ खेल रहे हैं। पीछे साहब को बच्चा था ये तन मन दिन चार निवासा, छूटे तन जमपुर में बासा। इतर में मन का चार ही दिन को विलास है, चार ही दिन तन का आनंद विलास का भी देख ले, भोग ले इसको, और जैसे ही तन छूटा जैसे जमपुरी में बात, जमपुरी से नहीं बच सकता, क्योंकि कोई सतपुरी तो जाने का आपने उपाय ही, जमपुरी जाने का उपाय किया तो जमपुरी में जाए। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ पसारा। भाई बंद अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जात वाले, तिरिया और पति पत्नी सब कहते हैं झूठ। वो कहती है झूठ, इसमें कोई किसी का नहीं। या के संग बूढ़त जग जाना,
छूटे तन फिर नरक समाना। इसके साथ जगत को जाना, इसके साथ रम रहा, झगड़ा कर रहा, मारपीट करता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता, और जब झूठा तो नर्क, नर्क का उसका रास्ता किसी ने बंद नहीं किया, वो तो खुला ही खुला है। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिला ठिकाना। इस भंग में, इस भंग में, संज्ञा में, इस खेलकूद में गवा दिया, और ना उसको पता चला कि मैं कहाँ से आया, और ना मालूम हुआ मुझे कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं चला, जीवन गवा दिया, युवक की तरह से हार के जा रहा है, और कोई किसी का नहीं है, चला जा रहा है। कुछ लोग दूर गए रास्ते में, पीछे लौट आए, वहाँ तक गए लौट आए, कुछ वहाँ रखा बरगट पर तो चल दिए, कुछ जलाया तो बीच में, अब तो जल गया, अब तो आग लग गई, चलो कुछ ये कुछ वहाँ तक, कोई थोड़े दो चार आदमी रह गए, तो देख दाख करके चलती है, ये होगा, ये हो रहा और होगा। जाते साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन ते ही नारी। ने कहा कि स्वामी, इससे सबसे अच्छा साध संग है वो सुखकारी है, और कहीं सुख नहीं है किसी जगह भी। ऐसा उस स्त्री ने गोस्वामी महाराज को उत्तर दिया, और उनकी एक बात नहीं मानी, जो उन्होंने सोचा था कि शायद हम कहेंगे तो फंस जाएगी, उसने साहब कहा कि जो आपने कहा सब झूठ है। एक बात मन नहीं भाई, और कहा जीव गति का राह बताइए, और हम कुछ नहीं चाहते। करिया कह स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। करिया ने कहा हे स्वामी, मेरी बात तो सुन लो, ये जगत सब जब झूठा है, झूठा सारा जगत का पसारा सब झूठा है, झूठा डाता है। लोभ मोह मद फंसी रहे, क्यों करे उतरे पार। क्या करे लोभ में और मोह में, इस मद नशे में ये फंस रहा है, कैसे पार जाएगा। अरे बात तो स्वामी सुन लो, लोभ मोह में फंस रहे, कैसे पार उतरेगा, इसलिए जीव गति का राह बताइए, हमको कुछ नहीं चाहिए, जीव गति का रास्ता। स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। ये बहुत भुलाने की बात की, ये परीक्षा तो कर लो कि क्या है, तब तक परीक्षा की, बहुत भुलाने की बात की, एक मन में नहीं आई, और वही कहती रही जीव गति का राह बताई। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। कहते हमने जगत भाव दर्शाया, ताके मन में ये सब झूठा लगा, झूठा है, इसमें कोई चीज सच्ची नहीं है। बोलो, ऐसी नारी पोल है जब जानी, मन ते ही केर मरम पहचानी। ऐसी नारी को हमने जब खूब मजबूत और अपने हित की बात करती है, उसको खूब समझ लिया कि और कुछ नहीं चाहती, एक जीव गति का राह चाहती है। बूथ शुद्ध शीतल चित गाता, हित कर बचन प्रीत की बाता। शुद्ध बुद्धि से हित की बात करती है, और हित की कोई बात मानने को तैयार नहीं, और न वो करती है शुद्ध बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से, विवेक विचार बुद्धि से,
शुद्ध बात करती। बोलो विरह भाव विधिर देभिनी ऐसी नारी पार रस चीनी। गोदाम जी के पास हृदय जो सबसे प्रमुख थे और भी पूरे थे, कहले हृदय देखो ये नारा पूरी जगती दे जाएगी, ये देख सीधे जाएगी अब घर ऐसी मजबूत नारी। ऐसा टोल बोल जब जाना तब ते ही सगरा भेद बखाना। ऐसा टोल बोल तब गोस्वामी जी ने समझ लिया करिएगा, तब उसको भेद बताया, मालिक का रास्ता बताया, उसे मिल लेगा। गुप्त भेद सत सत सर सावा ता कर ही आ उमज अस आवा। जब उसका शुद्ध भेद उसको मिला मालिक का, तब उसकी उमंग हुई, तब उमंग आई है। अभी तक तो रो रही गा रही थी, अब उमंग हुई उसकी। तीन ही सूरत संढते ही हाथा आज्ञा ले पुनिनायो माथा। सूरत शब्द का रास्ता लेकर और सूरत को शब्द से लगाया, जब जान लिया कि ये सही रास्ता है तब रास्ता के लेकर के जहाँ वो रहती थी अपने घर घर गई। संघ सखी सब अचरज लाई कौन वास्तु यही कान सुनाई। तो पता नहीं इतनी सात सखियाँ आई थी तो इसको तो वस्तु मिल गई और हम लोग वैसे ही रह गए। उसने सात बारी बोली कि हम तो ऐसे ही रह गए, जो मालूम कौन सी वस्तु मिल गई। अब उसको बहुत तड़प हुई। बोलो घट का चार बसेरा पाई पुन सिर नाय पाए घर आई। बरदात्री को आज्ञा देकर वही रही उन्हीं के स्थान पर, और सुबह हुआ तो आज्ञा लेकर माथा टेक करके और अब चली गई वो जहाँ रहती थी। क्या करता कर्मा नारी पूछ भी ख्याता कहो कहाँ गई कौने साथा। नारा ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। कि मैं गई थी स्वामी का दर्शन कर रहे, तो कह रहे मुझे धर्म गति मुझे दी, तब भेद मुझको दिया, मैं देकर के आया। तब करिया बरतंत सुनावा स्वामी वर्णन विधि बतावा। कहते स्वामी ने हमको ये विधि बताई मालिक से मिलने की, तो तुम तो बहुत खुशी हुई कि अगर ये पहले जान जाती तो हमको करने नहीं देती, और ये पहुंच गई वो विधि तब ले आई करने की। तब उसने कहा अब ये मुझसे पहले जाएगी, मैं पीछे पहुंचूंगा ये पहले पहुंच जाएगी। उसका पति कहता है कि ये पहले जाएगी, मैं पीछे पहुंचूंगा ये पहले पहुंच जाएगी। सुन कर्मा मन भयो अनंदा अब तोर छूट काल कर फंदा। आज उसका पति को आनंद हुआ कि अब तेरा काल का फंदा छूट जाएगा, बहुत आनंद हुआ। बोलो करिया संग सखी एक जैनी ताकर नाम रहा पुन सैनी। तेरी नाम था जैन मत की थी। बोलो स्वामी दरस गई दरबारा पुरुष भेद सुन पायो सारा। अब स्वामी के दरबार में गई दर्शन कर रहे उसी के साथ,
तो पुरुष को मालूम हुआ कि हमारी घरवाली गई वहां दर्शन करने के लिए साधु फकीर क्या करो। सुना पुरुष ते ही भर समाना नारी गई घर भया बिराना। अब पुरुष को तंगा हो गई कि नारी चली गई फकीर के यहां, अब हमारा घर वीरान हो जाएगा। तो ये तंगा हो गई। अब गए थे तो जो तो क्या चीज लेकर आई और आदमी को तंगा, उसको तंगा हो गई, घर बर्बाद हो जाएगा। बोलो। पुरुष नाम है कालू जे ही नगर लोग कही बरजत ते ही। कालू उसका नाम था, नगर के लोग कहेंगे अरे तू इतना भी नहीं कि अपनी देवी को काबू में रख सका, अब फकीर के पास चली गई तो नगर एक तरह तरह के बचन। तो बहुत बेचारा दुखी। कालू नारी धाई धमकाई ये फकीर ढिंग जान न पाई। बड़ी उसको डांट लगाई और डांट दिखाया और कहा कि तेरे हाथ पैर सबका डालेंगे। और फकीर के हाथ में गई और लोग मुझे भरते हैं कि तू कुछ नहीं है पगड़ी उतार दे। कालू कहे मोर दुखदाई जगत लोग थूके मुख माई। जगत के लोग मेरे ऊपर थूकते हैं, कहते हैं तू कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पगड़ी उतार दे, तमाम से निकल जा, मुझे रहने नहीं देते। और तू क्या घर में आई, पहले किसी के और के घर चली जाती, तू बहुत दुखदाई। अब धाए धाए रोवे उसके सामने तो क्या करे, ये तो झूठा रो रहा धोखेबाज। बोलो। मोरी पा गया बताए खोवा अस कही धाई धाई कह रोवा। हमारी पगड़ी की इज्जत तो तूने खो दी, ऐसा वो रो रहा अपनी देवी के सामने। बोलो। पाड़ पड़ोसन अस समझावे अब यह कहूँ जान नहीं पावे। अड़ोस पड़ोस की देवियों को समझाया कि देखो अब घर से ये निकले नहीं, ये घर ही में रहे, निकल के कहीं भी न जाए। और टेर टेर करके कहा कि अगर कहीं बाहर निकले तो हमको फौरन खबर देना, अब दुकान से आ जाएंगे। सब घर तेरी तेरी कह दीना घर बाहर इन जान न दीना। सब घरों से कहा टेर टेर गए कि घर के बाहर जाने मत देना, पकड़ लेना घर ही में रखना। ऐसा उसके पति कालू ने उसके लिए आदेश किया। बोलो। निकल सके नहीं बाहर जाई घर में बैठी ये दुख पाई। हृदय में तो चोट फकीर की लग गई, जो भेद उन्होंने बता दिया मालिक को प्राप्त करने का उससे उसका, तो चोट कुछ और लगी। अब वो तो बेचारी जो है तड़पती है कि कहीं जाने ना पाए, दर्शन करने कुछ सुनने के लिए जाते तो उससे भी गए। स्वामी ज्ञान ते ही ये समावा कर स्वामी स्वामी घोरावा। स्वामी का ज्ञान हृदय में समा गया और स्वामी स्वामी करके चिल्लाए घर में रोए। जी पुण्य ते ही नारी कार्यक कीना हे मकहार बुलाए उन लीना। बस एक कहार बहुत प्रसिद्ध था, काजी ने उसको बुलाया कि भाई हम दो चार टके तुमको ज़्यादा देंगे और तुम चलो पालकी में ले चलो हमको दर्शन करा जाओ। कह लगे हम ले चलेंगे, कोई जान नहीं सकता कि कौन जा रहा कौन आ रहा, और दरअसल दर्शन करा कर वापस कर दे। गया अपनी पालकी लेकर के आया और उसको बैठा लिया।